हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारदा सदन यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है सिंप्लीकन बेस्ट है और किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, लगातार हम आपके साथ रोज़ाना का नया जो सेशन है वो आपके सामने रहता है, क्लास है वो रेगुलर हमारी आपके सामने चलती आ रही है, तो रेगुलर आप क्लास को देख रहे होंगे ये। अब देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के हैं और कैसे एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और हम क्या करते हैं उनको छोड़कर आ जाते हैं, ये देखते ही छोड़कर आ जाते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन है और उनको हम बिल्कुल भी, और जबकि करने का तरीका बहुत आसान है, यानी सेकेंडों में हम उनका आंसर है वो करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में हम जैसे क्वेश्चन का जो तरीका है, जैसे हम कैसे क्वेश्चन देखने वाले हैं, जैसे ये आ गया 1 + 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1/2, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया और हम देखते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, ये तो नहीं होगा, चलो आगे चलते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, आज हम ये ऐसे क्वेश्चन को ही सीखने वाले हैं और बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चन का आंसर है वो देने वाले हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में भी आपका टाइम है वो बचेगा। तो एग्ज़ाम में हमारे पास इस प्रकार क्वेश्चन होंगे, तो देखते हैं किस कैसे है इनका सॉल्यूशन है वो कर पाते हैं। जैसे हम यही क्वेश्चन लिखा है तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 है, 4 1 1 आ रहा है आपके पास और यहाँ पर कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। अगर आप सिंपली तरीके से जैसे आप करते हो, बेसिक तरीके से आप इसको करते हो, जब आप इसका बेसिक लेते हो तो बेसिक है वो कैसा आता है इसका, तो हम कहाँ से स्टार्ट करना शुरू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना करते हैं, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, तो हमारे पास बहुत टाइम लग जाएगा। देखो बेसिक से हम एक बार करते हैं इसको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को हल करते हैं हम, तो क्या आता है हमारे पास 1 + 1/2, ये सेम आ गया 1 + 1/2, फिर ये आ गया सेम 1 + 1/2, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं इसको हल करते हैं, तो कितना हो गया 2, एलसीएम 2 आ गया, 2 + 1 कितना हो गया 3/2, हम यहाँ पर 3/2 लेते हैं। ठीक है, 3/2 का अपोजिट कितना हो गया 2/3 हो गया। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम यहाँ पर इसको करेंगे यहाँ पर, तो ये आ गया 1 + 1/1 + 1 / इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + 2/3, बट्टे में आ गया, बट्टे की वैल्यू वो एक के बट्टे में नहीं रहती है, तो ये उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। फिर हम इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 + 1/1, फिर 1 + 1/1, ये 3 और 2 कितने हो गए 5 / 3, ये आ गया। फिर हम इसको दोबारा सॉल्व करने वाले हैं तो 1 + 1/1, ये कितना हो जाएगा 1 + 3/5 हो जाएगा, इसकी तरह बदल देंगे इसको, बदला है। अब यहाँ पर फिर आया हमारे पास, इसको हम फिर सरल करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 1 + 5 / 3 कितने हो गए 8 हो जाएंगे, ये आ गया 8/5, इसको ऊपर चला जाएगा तो 1 + 5/8, और फिर हल किया तो कितना आया 8 और 5 कितने हो गए 13/8। तो हमारा जो दीदार है वो बहुत बड़ा हो गया है, जैसे देखने का तरीका है वो हम देखो कितना आ गया, यहाँ से स्टार्ट किया है, ये किया, फिर ये किया, ये किया, फिर ये किया और ये किया, यानी आप देखोगे कि क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा हो गया। इतनी देर में तो हमारे पास टाइम है वो निकल जाता है, 2-3 क्वेश्चन है वो और हो जाएंगे ऐसे टाइम में, तो हमें इस तरीके से नहीं करना। बेसिक तो मैंने आपको बता दिया, बेसिक है वो इस बेस्ट पर होगा, लेकिन हमें बेसिक का ये बेसिक आना चाहिए, जरूरी नहीं कि बेसिक से ही हमारे पास क्या निकलती हैं ट्रिक निकलती हैं, कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ट्रिक है वो याद नहीं रहती है, कई बार ट्रिक है वो फेल हो जाती है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो फेल नहीं होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं उनको कैसे करें वो देखना है। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे ये देखो ये क्वेश्चन है, पहले प्लस वाला करते हैं फिर हम माइनस वाले क्वेश्चन है वो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है, अगर उस तरीके से करोगे तो आपके पास बहुत समय लगने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2/3 दे रखा है, 2/3 जो दे रखा है इसको ले लो, ये उठा लिया हमने, यहां से उठा लिया और यहां रख दिया 2 और 3। अब आप देखोगे यहां पर 1 कितने हैं, 1 1 1 1 कितने हैं, अब देखो सर 4 1 है। ठीक है, तो चलो 4 यहां पर 4 डॉट कर दो, 1 2 3 4, ये आ गया। अब क्या करना है तुमको, सीधा सा है
मात्र सेकेंडों में आप इसको आंसर देने वाले हो। क्या करना है, अब इनको जोड़ते जाओ, दो को तीन जोड़ो कितना आएगा, पाँच आएगा, पाँच में तीन जोड़ दो कितना आया, आठ आ गया, ठीक है। फिर क्या करना है, पाँच में आठ जोड़ देना है कितना आया, तेरह आया। फिर क्या करना है, आठ में तेरह जोड़ देना है कितना आ गया, इक्कीस आ गया, इक्कीस आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो इक्कीस आ गया, तेरह आ गया, अब क्या करना है, सीधा से जाना है, इक्कीस वाला है ना, इक्कीस वाला इसको तो आप ऊपर रहने दो इक्कीस, और जो इससे जो पहले वाला जो नंबर है उसको आप इसके बट्टे में ले आओ, ये आ गया तेरह, इक्कीस बट्टे तेरह, ये हमारा राइट आंसर हो गया, ये हो गया है, ठीक है। आंखों ही आंखों में हमारे पास पर्सन है, वो हो चुका है, तो क्या करना है आपको, 21 बट्टे तेरह है वो इसका आंसर है, हो जाएगा ए फोर एनक। क्या किया, सिंपल सा है, फिर से समझते हैं, आराम से समझते हैं इसको कैसे किया है हमने। यहाँ पर देखना क्या करना है, आपको जितने भी नंबर दिए हैं उनको देख लेना है, एंड का जो आपके पास लास्ट लास्ट में जो पॉइंट दे रखा है वो हमें लेना है, टू और थ्री ले लिया हमने, यहाँ पर ले लिया बिल्कुल, टू और थ्री को इसलिए ले लो। फिर देखो वन कितने, वन टू थ्री फोर और फाइव वन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वन टू थ्री फोर, हाँ ये आ गया हमारे पास, फाइव वन है। अच्छा हमने ये रोक किया, यदि फोर वन आता तब हमारे पास आता, यहाँ पर फाइव वन है, तो एक मिनट देखो इसके अंदर है। ये आ गया फाइव वन है, देखो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो फाइव वो देने आपको, फाइव हो गया, तो क्या हो गया, तेरह में इक्कीस और जोड़ देंगे तो तेरह इक्कीस कितने हो गए, चौंतीस हो गए, ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर नहीं होगा, अगर हमारे पास कितने होते, फोर वन होते तब हमने फोर तक देखना। अब देखो ये आ गया, अब क्या करना है, ये वाला नंबर है वो ले लो थर्टी फोर, और ये वाला नंबर कितना है ट्वेंटी वन, ये आ गया, ये इसका आंसर होगा। अगर फोर होते तो फोर तक हमारे पास कितना, इक्कीस बटे तेरह आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर वन कितने हैं, फाइव है, तो फाइव वन है, तो इसको हमने तेरह में इक्कीस और जोड़ दिया तो कितना आ गया, चौंतीस आ गया, चौंतीस बटे इक्कीस है वो इसका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया आपका, तो हमारे पास इसका आंसर कितना हो गया, चौंतीस बटे इक्कीस है आंसर होगा, ठीक है। बाय मिस्टेक हमने क्या लिया, एक वन है कम ले लिया, तो फोर तक कर दिया था, अगर फोर तक होता तब तो हमारे पास आंसर कितना होता, इक्कीस बटे तेरह, लेकिन फाइव तक है तब हमारे पास आंसर कितना है, चौंतीस बटे इक्कीस है वो आंसर होगा। तो समझ में आया होगा आपको इस प्रकार के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, एग्जाम में बैठे आप देखते ही आप इसका सॉल्यूशन है वो आने वाला है। सो देखते हैं अब, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें हमें क्या रखा है, वैल्यू ऑफ अक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो अक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और हमारे पास मान है वो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना है, एंड में कितना है, बोलो सर वन बाई टू है, क्या करना है आपको, वन एंड टू ले लिया ने यहाँ पर वन बाई टू था, तो वन एंड टू ले लिया हमने यहाँ पर। अब क्या करना है, कितने वन है सर, वन टू थ्री एंड फोर वन है, तो क्या करना है, यहाँ पर डॉट लगा लो, वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री एंड फोर हो गया। अब क्या करना है, वही करना है सीधा, जोड़ते जाओ, वन में टू जोड़ दो कितने आ गए सर, थ्री आ गए, टू में थ्री जोड़ दो कितने आ गए सर, फाइव आ गए, थ्री में फाइव जोड़ दो कितने आ गए सर, एट आ गए, और एट में फाइव जोड़ोगे तो सर आ गए थर्टीन आ गए, ये आ गया। तो हमारे पास जो अक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, अक्स की पहले तो ये लेंगे थर्टीन और बाई एट, थर्टीन बाई एट, अक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, थर्टीन बाई एट है वो हमारे पास आ गई है, ओके। तो अक्स की वैल्यू थर्टीन बाई एट हो गई, अब देखना है, लेकिन हमारे पास आंसर इतना ही नहीं है, कई बार क्या करते हैं हम इसको नहीं देख पाते हैं, और हमारे पास थर्टीन बाई एट आ गया तो हम इसको टिक कर दिया है, लेकिन इसको हमें टिक नहीं करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर अक्स की जो वैल्यू पुट करनी है, तो पुट कर दो, तो टू अक्स का वैल्यू कितनी है, थर्टीन बाई एट प्लस सेवन बाई फोर, ये आ गया, टू से एट को फोर बार सुलटा दिया, इसको कितना सुलटाया हमने, कितना बचा हमारे पास, तेरह बटे चार प्लस सात बटे चार, तेरह और चार को जोड़ेंगे तो बीस हो जाएंगे, और बटे चार कितना आ गया भाई, पाँच आ गया जी भाई, कितना आ गया, सो पाँच आ गया ना, ठीक है। तो पाँच है वो हमारे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, तो क्या आ रहा है, आ रहा भाई, ठीक है, पाँच है वो इसका राइट है आंसर है वो हो गया, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगा आपका। करना क्या है, सेम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको क्या किया, वन बाई टू, तो वन ले लिया यहाँ पर,
फिर टू ले लिया यहाँ पर, ले लिया हमने यहाँ पर, क्या करना है इन दोनों को ऐड करना है, प्लस फिर प्लस फिर प्लस और फिर प्लस, ठीक है, और कितना आ गया 13। फिर हमने इसका फर्स्ट नंबर यानी ये वाला पॉइंट ले लिया 13 और बाई 8 ये आ गया। अभी हमने देखा था कि कितने भयानक तरीके से इसको पहले सोल्व करके बताया था तो कितना आंसर आया था, कितने तरीके से किया गया, यानी आधा तो आपका पन्ना काफ़ी का पेज है वो भर जाएगा, फिर जाके आपके पास सोल्यूशन आएगा। अब देखो इतना बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है, आपके पास सोल्यूशन है वो आपके पास आ गया, तो 5 है वो इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, यहाँ पर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखो यहाँ पर माइनस, अभी हमने प्लस वाला किया था, अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस में ही आ रहा है, तो माइनस में आएंगे तो भी आपको नहीं देखना है, मैंने पहले तो प्लस वाला समझा दिया आपको, अब माइनस वाला समझ रहे हैं, तो माइनस में आए तब हमें क्या करना है वो समझना अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है, तो ले लीजिए यहाँ पर 2 and 3 ले लिया, ठीक है, कितने 1 आ रहे हैं, तो सर 1 आ रहे हैं 1, 2, 3 and 4, 4 1 आ रहे हैं, डॉट लगा दो 1, 2, 3 and 4 ये आ गया आपके पास, ठीक है, 4 1 है तो 4 डॉट है, इस तरीके से आप दिखा दो, कोई भी तरीका यूज कर सकते हो आप इस तरीके से, जरूरी नहीं। अब आपको क्या करना है, अब करना है गठा देना है, 3 में से आप 2 गठाओगे तो आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, गठा देना है, माइनस कर देना है, इसको इसमें से करेंगे तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर देखो इसको इसमें से गठाएंगे, 1 - 3, अब देखो 1 - 3, ठीक है, 1 - 3 कितना हो गया, -2 हो गया, तो -2 ये आ गया। अब इसको इसमें से घटाएंगे, -2 में से -1 घटा दो तो -2 - 1 कितना आएगा, -3। अब क्या करना है, -3 में से -2 घटाओगे तो -3 माइनस और -2 घटाओगे तो -3 माइनस माइनस क्या हो गया, +1 यानी सॉरी +2, तो यानी आपके पास इक्वल टू कितना आ गया, -1 है वो आएगा, ये आ गया घटाने पर इतना आ गया, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर देखना है हमें इसको इसमें घटाया माइनस आ गया, क्या करना है, लास्ट पॉइंट आ गया हमारे पास, लास्ट करना है। अब हमें क्या वैल्यू पूछी है इसकी, तो वैल्यू कितनी है, सबसे पहले तो ये लोगे यहाँ पर -1 ले लिया हमने, फिर यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, तो अपॉन -3, तो माइनस और माइनस वो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर वो कितना जाएगा, +1/3। बिल्कुल समय नहीं लगाना, नहीं लगाना, अगर आप इसी क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करते हो तो देखो कितना समय लगता है। सबसे पहले देखो ये आ गया 1 - 1/1 - 1/ फिर 1 - 1/3 में से 2 गए 1/3 आ गया। अब ये उल्टा हो जाएगा, फिर अगले स्टेप में 1 - 1/1 - 1/ ये उल्टा चला जाएगा तो 1 - 3 ऊपर जाएगा, 3 हो जाएगा 1 - 3, तो 1 - 3 कितना हो गया, -2 हो जाएगा। फिर आएगा दोबारा 1 - 1/1 - माइनस का 2 है तो ये आ गया -2, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए आपके पास, तो 1 - 1/1 + 1/2, तो 1 - 1/2 रे कितने हो गए, 3/2, ठीक है, तो फिर आ जाएगा 1 - 2/3, तो कितना आ जाएगा, 3 में से एलसीएम लोगे तो 3 - 2 यानी 1/3, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, तो 1/3 आ गया, ये 1/3 ही हमारे पास इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, आ गया ना। तो एक तो इस तरीके से करो, देखो कितना समय लग रहा है ना, लग रहा है बिल्कुल समय, लेकिन यहाँ पर देखो बिल्कुल समय नहीं लग रहा, क्या करना है, 2 - 3 - 2 - 3 ले लिया। अब क्या करना है, माइनस कर देना है, और ले आप दिमाग में इसको माइनस कर सकते हो, 2 - 3 गया माइनस, 3 - 2 गया -1, 1 - -3 - 2 - 2 - 1, तो कितना हो गया, -3 - 3 और फिर -2 हो जाए तो प्लस हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, 1/3 है वो इसका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम, यहाँ पर ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारे पास हमें दे रखा है 2 = x + 1/1 + 1/1 + 5 + 1/2, ठीक है, करना क्या है, सिंपल सा, सबसे पहले तो आप इस जो दे रखा है इसको सॉल्व करते हैं,
इस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, हमारे पास कितना रहेगा, वन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन फाइव प्लस वन बाई टू, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले वन बाय टू ले लो, तो ये वन बाय टू ले लिया हमने, वन और टू ले लिया हमने आप, ठीक है ना, वन और टू ले लिया। अब क्या करना है आपको, फाइव वन वन कितनी बार है, तीन बार है, तो फाइव वन एंड वन, ये आ गया। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सा है, समझना इसी तरीके से, और इसको ऐड कर देना है। तो कितना हो गया, पाँच दिन दस हो रहे, कितने हो गए, ग्यारह। सेम काम करना है यहाँ पर, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है और ये ऐड कर देना है, तो ग्यारह और दो कितने हो गए, तेरह हो गए। फिर सिंपल ये है, इसको आप क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना और इसको ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा, तेरह और ग्यारह कितने देंगे, चौबीस। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू है वो जो आएगी वो कितनी आएगी, सबसे पहले तो आपको इसको लिखना है, ये लिख दिया हमने चौबीस, और फिर ये लिखना बट्टे में तेरह, ये आ गया चौबीस बटे तेरह। हमारे पास चौबीस बटे तेरह कौन सी वैल्यू आई है, केवल इसी की वैल्यू आई, यानी ये वाला आया है। अब क्या करना है आपको, ये लिखना है, तो दो इक्वल एक्स प्लस वन अपॉन, ये आ गया। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। सबसे पहले हमें क्या करना है, टू इक्वल एक्स प्लस, इसको अपोजिट कर दोगे तो कितना आएगा, थर्टीन बाई ट्वेंटी फोर, ये आ गया। इन दोनों को एक साथ कर लो तो एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आएगी, टू माइनस थर्टीन बाई ट्वेंटी फोर। एलसीएम दोगे, एलसीएम लेके हल करते हैं, तो हमारे पास कितना हो गया, फोर्टी एट माइनस थर्टीन बाई ट्वेंटी फोर। फोर्टी एट माइनस थर्टीन है वो कितना हो जाएगा, आप देखोगे थर्टी फाइव अपॉन ट्वेंटी फोर। तो आप देखोगे क्या हमारे पास ऐसा आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, थर्टी फाइव बाई ट्वेंटी फोर है, ये इसका राइट है आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया, तरीका क्या है, अगर आप इसको बेसिक वैसे लोगे तो आपके पास बहुत बड़ा रूप है वो बन जाएगा, कम से कम आपके पास दो से तीन मिनट है वो चली जाएंगे, लेकिन जब आप इस मेथड से करोगे ना, आपके पास दस से पंद्रह, दस से या पंद्रह सेकंड में आप इस आंसर को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ वन प्लस वन बाई थ्री प्लस वन अपॉन टू प्लस वन बाई फोर, ऐसे दे रखा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यही लेना है, वन बाई फोर लेना है, तो ले लिया हमने, वन बाई फोर है वो ले लेते हैं हम, ये इधर ले लिया वन, इधर ले लिया फोर, ओके ले लिया। अब क्या करना है, टू थ्री वन ये आ रहा ना, इनको ऐसे लिख दिया, यहाँ पर टू लिख दिया, यहाँ पर थ्री लिख दिया और यहाँ पर वन लिख दिया, लिख दिया हमने यहाँ पर। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, अगर ऐसा है, अगर वन वन आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ऐड करते जाना है, सीधा सीधा ऐड करते जाना है, या माइनस आ रहा है तब आपको घटा दे जाना है। लेकिन अगर आपके पास अलग वैल्यू आ गई, जैसे मैंने पहले वन वन लिया था फिर माइनस में लिया था, अब देखो वन थ्री टू है या पीछे वाला क्वेश्चन है उसके अनुसार करोगे ना, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये प्लस कर देना, तो कितने हो, चार दूनी आठ हो रहे, कितने हो गए, नौ हो गए। फिर क्या करना है, इसको फिर क्रॉस गुणा करना है और इसमें ये ऐड कर देना है, नौ तीस सत्ताईस और चार कितने हो गए, इकतीस हो गए। फिर क्या करना है आपको, ये ऐड कर, इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो इकतीस और नौ कितने हो गए, चालीस हो गए, आ गया चालीस आ गया। अब क्या करना है, एकदम सिंपल हो गया, सिंपल क्या हो गया, क्या करना है आपके पास कितना आ रहा है, चालीस आ रहा है, तो चालीस ले दीजिए और इससे जो पहली वाली संख्या है उसको क्या ले दीजिए, बट्टे में ले दीजिए, तो चालीस बट्टे इकतीस आ गया, क्या आ गया, बिल्कुल बिल्कुल आ गया, हमारे पास चालीस बटे इकतीस है, वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वीडियो हैं वो आपको रेगुलर मिल रहे होंगे, इस प्रकार जो क्लास हैं कंपटीशन एग्जाम के बेस से आपके पास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखते ही हम क्या करते हैं, भाई बहुत समय लगेगा, चलो छोड़ते हैं बाद में देखेंगे अगर समय बचेगा तो, नहीं आपको क्या करना है, तुरंत करोगे आप, तुरंत देखते हो तो देखो कितना समय लग रहा है, बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा हमारे पास सरल करने, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हम सरल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये क्लास है वो पसंद आई होगी, लगातार आप ये सीरीज है वो आपके सामने चल रही है, लगातार आप इस सीरीज के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो वीडियो आते हैं उनको ज़रूर शेयर करें, सभी के पास शेयर करें, क्लास को शेयर करते रहें। थैंक यू।